ये सब क्या हो रहा है सुमायरा? तो डैड मैडी को पागलखाने भेजने के लिए तैयार तो तुमने फिर से उसे क्यों रोका? रिलैक्स आदित्य। व्हाट रिलैक्स? तुम चाहती क्या हो सुमायरा? यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, हमेशा छोटा सोचते हो। बात का सोचते, कभी दूर का भी सोच लिया करो। आदित्य, मधु को घर में रोक के हम मधु पे कोई उपकार नहीं कर रहे, बल्कि मिस्टर जगन्नाथ की नजरों में अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे। लेकिन डैड उसे वहीं भेजना चाहते हैं। जानती हूँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये जानते हुए अगर हम मधु की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, उसके लिए कंसर्न दिखाए, सिंपथी दिखाए, सोचो मिस्टर जगन्नाथ पे इस बात का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। क्यों? और तुम मुझे बता दो, तुम्हें जगन्नाथ एम्पायर चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर चाहिए तो तुम्हें भी ये तमाशा करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे नहीं। और तुम ये क्यों भूल जाते हो आदित्य कि मधु पागल है नहीं, हम उसे पागल बना रहे हैं। अब सोचो, अगर मिस्टर जगन्नाथ के कहे हुए किसी डॉक्टर के हाथ में वो लग गई तो क्या हो सकता है? मधु ठीक हो सकती और फिर सब खत्म। इसलिए तो कह रही हूं कि उसका इस घर में रुकना जरूरी है, समझे? लेकिन नीरज, उससे मदद लेने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो कि उसकी शक्ल में एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। मधु का प्लान किसी तीसरे के सामने रिवील करने से तो बेहतर यही है कि हम नीरज को कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन उस पर क्या भरोसा, वो तो कल किसी के भी सामने अपना मुंह खोल सकता है। कैसे खोलेगा? वो सिर्फ पैसों की भाषा समझता है आदित्य, और कुछ नहीं। जब तक हम उसे उसकी मुंह मांगी रकम देते रहेंगे वो चुप रहेगा आदित्य। नीरज की बात पे नहीं, एटलीस्ट अपनी पत्नी की बात पे भरोसा करो। एंड अपनी स्ट्रेस लेना बंद करोगे, यू नो स्ट्रेस करने से तुम ए रिलैक्स। मैं सब संभाल लूंगी। विश्वास नहीं हो रहा मुझे यहाँ देखकर। अब ऐसे ही दिखती रहोगी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? निमेश, तुम अंदर आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अब ठीक है ठीक है। निमेश। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ जाना? अंकल आंटी, मुझे पता था कि आप लोग सब मुझे देखकर चौंक जाएंगे। आखिर हम सब लोग इतने टाइम बाद जो मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। अंकल, शिखा दीदी के बारे में पता चला, सुन के बहुत बुरा लगा। फिर पता चला कि आप लोग सब नासिक छोड़कर दिल्ली आ चुके हैं। अंकल आंटी, मैंने माही से बात करने की, उसके टच में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उस वक्त माही अपने माइंड फ्रेम में नहीं थी, इसलिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच नहीं पाई। और आप लोग तो हालत जानते थे, मैं भी उसे फोर्स नहीं कर पाया, सिर्फ किया इंतज़ार, सही वक्त का इंतज़ार, और वो सही वक्त आ गया। नीरज, तुम दोनों एक दूसरे को? अंकल, यही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं नहीं, मैंने इनका प्यार लेकर आया, सच्चा प्यार। ये दोनों नासिक में एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन ये नहीं पता कि अलग होने के बाद आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। और आप ही को क्या, ये बात तो खुद इन दोनों को नहीं पता थी,
देखो तो गलती से मैंने माही के फोन में निमेश का फोटो देखा तो मुझे पता लगा कि वो आज भी उसे उतना ही मिस करती है। अंकल, मैंने आपको और आंटी को माही के रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना, फिर मुझे माही और निमेश के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी अंकल, मैंने आपसे बिना पूछे निमेश को यहां बुला लिया, लेकिन मुझे यही सही लगा। लेकिन नीरज बेटा, ये सब ऐसे अचानक कैसे? आंटी, इस दौरान मेरे मॉम डैड ने बहुत कोशिश की कि मैं अरेंज मैरिज कर लूं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, एक भी नहीं। क्योंकि आंटी, मैं माही से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। और अंकल, मैं माही से शादी भी करना चाहता हूँ। माही? माही, बेटा, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अपनी माँ से? निमेश, तुम्हारे माँ बाप से मिले बिना हम कैसे? आंटी, आप यकीन नहीं करेंगे कि निमेश के मॉम डैड इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, और वो भी निमेश के साथ दिल्ली आ गए माही का हाथ मांगने के लिए। और अगर आपको एतराज ना हो तो वो कल ही माही और निमेश का रुका करना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ उन्हें। कौन है आप और आपको किससे मिलना है? रमेश जी। मैम, ये डॉक्टर अवस्थी है, मधु मैम के नए डॉक्टर। आप जाइए। सो डॉक्टर अवस्थी, अपनी नई पेशेंट की देखभाल करने के लिए तैयार? मेरे जैसा क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसे नेक काम के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो चलें। ऐसी देखभाल करेंगे उसकी कि सपने में भी अपने डॉक्टर को देखकर कांप उठेगी। नीरज, थैंक यू। शिखा, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए ऐसा मौका देने के लिए। मन तो करता है कि 24 घंटे ने अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखो, इसी लायक है दोनों। मैंने तुम्हें इसके लिए थैंक यू नहीं बोला, कोई और वजह है। मुझे माही का कॉल आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। नीरज, मैं उसकी बड़ी बहन होके भी कुछ नहीं कर पाई। अपनी लड़ाई में इस तरह खो गई कि भूल ही गई कि मेरी कोई छोटी बहन है, भूल गई कि उसके भी कुछ अरमान है। हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सपने हैं। मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन तुमने ये करके मेरे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया है। शिखा, तो जितना तुम्हारा परिवार है उतना मेरा भी है, और अपने परिवार के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता, फर्ज होता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी माही का कल रोका है, और जिसमें तुम्हें भी शामिल होना है। क्या हो? कल माही के लिए बहुत बड़ा दिन है शिखा, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन कैसे नीरज, आदित्य हमेशा मेरे साथ रहता है, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कौन सा रास्ता निकालने की बात हो रही है? नहीं, वो मैं समारे जी से ही कह रहा था कि मधु को ठीक करने के लिए मेरे पास, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं मधु को अंदर देख कर आता हूँ। श्योर।
हेलो मधु, मैं तुम्हारा डॉक्टर। मुझे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा। डैड ने भेजा? कि सच में आपको मेरे डैड ने भेजा है? हाँ। अगर ये सच में शिखा का नहीं डैड का बुलाया हुआ डॉक्टर है तो मैं इन्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ, इनसे मदद मांग सकती हूँ। वैसे कैसी तबीयत है अभी? आपको मेरी तबीयत कैसी लग रही? कहिए ना डॉक्टर, मुझे देखकर लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस पागल बनाया जा रहा है। वो शिखा है ना, वो अपने आप को समायरा बताती है, वो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है, वो मुझे तरह तरह की दवाइयाँ देती है। मैंने अपने घर वालों से कई बार कहने की कोशिश की है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसीलिए मैं अपनी हार मानकर उस शिखा की दवाई और टॉर्चर से बचने के लिए यहाँ पागल बनकर बैठ गई हूँ। प्लीज डॉक्टर, आप मेरे डैड से कहेंगे ना तो वो आपकी बात का जरूर यकीन करेंगे। आपको उन्होंने ही भेजा है ना? प्लीज मुझे शिखा की दवाई और टॉर्चर से बचा दीजिए प्लीज। आप हंस क्यों रहे हैं? कहाँ हंस रहा हूं, ये मुझ हंसने का देती। एक सेकेंड, तुम वही हो ना जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी? एग्जैक्टली मत, सही पहचान। वैसे नीरज, देखा जाए तो इसका दिमाग अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। But don't worry, डॉक्टर नीरज आ गए हैं ना, तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल होगी, और वो सारी मेडिसिंस जो तुम बेड के नीचे फेंक के वेस्ट किया करती हो उसकी भी कसर पूरी कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं सबको बता दूंगी जाके। ज्यादा होशियारी मत करना शिखा। इंजेक्शन देख रही हो? अगर लगा दिया ना तो अपना नाम तक भूल जाओगे। कल कॉकरोच दिखाई दिए थे, आज हाथी घोड़े सब कुछ दिखाई देगा, सच में पागल हो जाओगे। और ऐसी हालत में अगर मैंने तुम्हें नींद की गोली देकर सुला दिया ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तब ये सोचेंगे कि पागलपन में तुमने खुदकुशी कर ली। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब समझ आया कि जान की कीमत किसे कहते हैं? मौत नजर आई तो पसीने छूटने लगे ना, देखो उसे, उसे मौत के घाट उतारने चली थी ना तुम। अब 24 घंटे मैं तुम्हें मौत के साए में जीने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। नहीं नीरज, इसको इतनी आसानी से मत छोड़ना,
इसके दिल में तुम्हारे लिए तब तक डर नहीं बैठेगा जब तक ये कोई नमूना ना देख ले। तुम्हारी आज की सजा यह है कि तुम सोओगी नहीं, तुम्हें जितनी भी नींद आएगी तुम जागती रहोगी, और अगर तुमने एक पलक भी चमकाई तो याद रखना आखिर आपने अपनी विल तैयार कर ही रही। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जगन्नाथ एम्पायर का असली हकदार कौन होगा। अब पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए मैं ये फैसला ले पाया हूं। नहीं बादू, सोना नहीं है। बिल्कुल ही सोना है। मैडम तुम अभी तक सोई नहीं, इतनी रात हो गई है, अगर आराम नहीं करोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? आई एम सो सॉरी अगेन मैडी, वेरी सॉरी। वो तो पुरानी बात हो गई ना, तब तो मधुरिमा जगन्नाथ खुद अपने डिसीजंस लिया करती थी, राइट? और अब वो सिर्फ एक कठपुतली है। इट्स सो सैड। देखो ना मैडी, कैसे दिन आ गए ना तुम्हारे, तुम अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। रियली, तुम्हें डैड का वो वॉल्ट याद है जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं? अगर तुम मुझे बता दो कि वो उसकी चाबी कहाँ रखते हैं और वो वॉल्ट खुलता कैसे, तो मैं नीरज से बात करके तुम्हारी ये सजा माफ करा सकता हूं। सोच लो, तुम ये सॉफ्ट कंफर्टेबल बेड पर पूरी रात चैन से सोना चाहती हो या इसी तरीके से इस बेड पर बैठकर अपनी आंखें मलना चाहती हो? एक बार तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। मेरी कसम मत खावा दी। ठीक है, अपनी कसम। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। नंबर इज 1 2 3 4। ओके, थैंक यू सो मच मैडी, यू सच अ स्वीट हार्ट। तुम्हें अभी भी मेरी कितनी फिक्र है ना? चलो अब तुम आराम से सो जाओ। Come on, you deserve it. नहीं, मैं। ये क्या हो रहा है? मैं सो नहीं रही हूँ। मैं नहीं सो रही हूँ। आदित्य, नीरज, मुझे लगता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैडी सो जाए। आदित्य,